हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड द वर्कशीट नंबर इज 36 एंड द डेट इज 15 फरवरी 2021। योर क्लास इज 8। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस। आपने पिछले सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर उसकी वीडियो देख सकते हो। आज आप पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट माने जो समय बीत गया, जो भूतकाल है उसको हम बोलते हैं पास्ट। और पास्ट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पहले इसके यूजेस देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल वहाँ करते हैं या उन बातों के लिए करते हैं जो पिछले पीछे पास्ट में हो चुकी हैं, हैपेंड हो चुकी हैं। इन एग्जांपल्स को आप दे सकते हो। यूजेस टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कोई एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको आप पास्ट में, सिंपल पास्ट में शो कर सकते हो। आई सो अ स्नेक लास्ट फ्राइडे। मैंने पिछले फ्राइडे को एक स्नेक देखी। टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कोई एक सीरीज चली आ रही है कि आपने पहले ये किया, उसके बाद वो किया, उसके बाद वो किया, वो चीज़ें भी आप पास्ट में, सिंपल पास्ट में दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। मैंने अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं बीच तक मैं गया और उसके बाद मैंने एक अच्छा सा तैरने का स्थान मैंने वहाँ पर ढूंढा। लास्ट आप एक्सप्रेस हैबिट, अपनी पास्ट हैबिट को भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो सिंपल पास्ट में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई वॉच लॉट्स ऑफ टेलीविज़न एवरी डे आफ्टर स्कूल। मैं बहुत सारा टेलीविज़न या बहुत टेलीविज़न देखता था स्कूल के बाद। हर रोज़ स्कूल के बाद मैं बहुत टेलीविज़न देखता था। तो यहाँ पर आपको यूजेज और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। लास्ट यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो किसी स्टेट ऑफ बींग को, किसी अवस्था को दिखाए। जैसे यहाँ पर हैव, ओन, बी, थिंक, बिलीव, नो, डिसलाइक, नीड, ओ, विश। क्योंकि इनको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ हम नहीं कर सकते। किस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हम? कंटिन्यूस फॉर्म में स्टेटिव वर्ब्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ही हैड ए स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स। जंगलों में, वुड्स यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है, यहाँ पर जंगल है। जंगलों में उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे यहाँ पर कुछ सिग्नल वर्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। फिर जो ऊपर की जो लास्ट राइट साइड की स्लाइड, उसको भी सिग्नल वर्ड्स वो होते हैं जो आपको सिग्नल करेंगे पास्ट टाइम के बारे में। जैसे यस्टरडे आपको पता है कि जो समय, जो कल जो बीत गया उसके बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा है, आई मीट माई सिस्टर फॉर लंच यस्टरडे। मैं कल अपनी सिस्टर से मिला लंच के लिए। लास्ट नाइट, लास्ट वीक और लास्ट ईयर जहाँ पर लिखा वहाँ भी हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है फर्स्ट सेंटेंस में, डिड यू वॉच द गेम लास्ट नाइट। क्या कल रात तुमने उस गेम को देखा? किसी भी गेम के बारे में, स्पोर्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सेकंड है यहाँ पर, इट रेन्ड अ लॉट लास्ट वीक। पिछले हफ्ते काफ़ी बारिश हुई। आप जब भी एट, ऑन और इन को पास्ट टाइम के साथ यूज़ करेंगे तब भी आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे द मेल केम एट 11 AM, जो मेल 11 बजे आए। आई मूव टू दिस सिटी ऑन September 1, 2015। मैं इस सिटी में कब आया था? September 1, 2015 को मैं आया था। आप अगो भी जहाँ पर लिखा हो वहाँ भी अगो, मैंने पहले मिरांडा ग्रेजुएटेड 5 years ago, 5 साल पहले मिरांडा ग्रेजुएशन उसने पास की, उसने स्नातक की जो डिग्री अपनी हासिल की। अब यहाँ पर कुछ यूजेस भी देखते हैं। जैसे टू बी की वर्ब में भी आप, टू बी की वर्ब में जैसे कौन कौन सी वर्ब होती हैं, इज एम आर, वॉज वर्ब, और यही कुछ और वर्ब्स भी हैं, लेकिन अभी आप वॉज वर्ब पर ही ध्यान दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करते हो, और आप प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। आपको जब नेगेटिव सेंटेंस लगाना हो तो आप वॉज या वर्ब, जो कि यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको कभी भी नोट लगाना हो, नेवर लगाना हो, तो आप उन्हीं के साथ लगाते। जैसे दे वरंट या वर नॉट फ्रेंड्स, वो दोस्त नहीं थे। क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वर दे फ्रेंड्स, क्या वो दोस्त थे? आपको वर्ब्स का यूज़ करना है। यहाँ पर तो ये टू बी का वर्ब का यूज़ हुआ। यहाँ पर अगर आपको वर्ब का यूज़ करना है तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे सी वर्क यस्टरडे, उसने कल काम किया। आपको नोट लगाना है, अगर आपको ये दिखाना है कि उसने काम नहीं किया, तो आप फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है,
सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्क बेस फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, शी डिड नॉट वर्क या शी डिडंट वर्क यस्टरडे, उसने कल काम नहीं किया। क्वेश्चन भी पूछना है तब भी आप यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे और सिंपल जो हम सब्जेक्ट है और जो बेस फॉर्म है वर्ब की उसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है डिड शी वर्क यस्टरडे, क्या उसने कल काम किया। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने तो वो भी आप इससे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेंटेंस लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव, ही मेट हिज वाइफ 6 years ago, वो 6 साल के बाद अपनी वाइफ से मिला। ही डिडंट मेट हर, वो अपनी वाइफ से नहीं मिला। और यहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, यहाँ पर जंबल्ड क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ऊपर नीचे कर रखे हैं, बिल्कुल मैच नहीं कर रखा। जैसे यहाँ पर पूछ रखा डिड ही मैटर, क्या वो उससे मिला। सेकंड, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी से मैंने स्नातक पास की। आई डिडंट ग्रेजुएट, मैंने स्नातक पास नहीं की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है लास्ट में, डिड आई ग्रेजुएट, क्या मैंने स्नातक पास की। क्वेश्चन नंबर जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो थर्ड है, दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उन्होंने कल एक मूवी देखी। दे डिडंट वॉच अ मूवी, उन्होंने कोई मूवी नहीं देखी। अगर आपको इसमें क्वेश्चन मार्क बनाना तो डिड दे वॉच अ मूवी, क्या उन्होंने कोई मूवी देखी या क्या उन्होंने एक मूवी देखी, ऐसा आप बना सकते हो। फोर्थ सेंटेंस है, यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी बेड पर चले गए थे, मतलब जल्दी तुम सो गए थे। यू डिडंट गो टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी सो नहीं गए थे। आप क्वेश्चन मार्क में पूछ सकते हो यहाँ पर, जैसे पूछ रखा है डिड यू गो टू द बेड अर्ली, क्या तुम जल्दी सो गए थे। शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी, पॉजिटिव सेंटेंस है, वो लाइब्रेरी में उसने पढ़ा या वो पढ़ती थी। शी डिडंट स्टडी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ती थी। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर इसके साथ बना सकते हैं, यहाँ पर डिड शी स्टडी इन द लाइब्रेरी, क्या वो लाइब्रेरी में पढ़ती थी, ऐसा आप बना सकते हो। दे हैड डिनर लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात डिनर किया था। दे डिडंट हैव डिनर, उन्होंने डिनर नहीं किया था। और आप यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर लिख रखा है डिड दे हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या उन्होंने डिनर पिछली रात को किया था। आगे है यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं, ही फेल्ट सैड यस्टरडे, उसे कल बहुत बुरा महसूस हो रहा था। और यहाँ पर नेगेटिव इसका यहाँ बना रखा है, डिडंट फील यस्टरडे सैड यस्टरडे, उसे कल बुरा महसूस नहीं हो रहा था। आप इसको क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हो, शायद वो आपका ऊपर मिला हो, मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ही लिख रखा है डिड ही फील सैड यस्टरडे, क्या उसे कल बुरा महसूस हो रहा था। यहाँ पर आगे है वी मेड अ केक फॉर यू, हमने आपके लिए केक बनाया। और यहाँ पर नेगेटिव है इसका, वी डिडंट मेक अ केक फॉर यू, हमने आपके लिए कोई केक नहीं बनाया। और आप इसका जब आप क्वेश्चन मार्क वाला बना सकते हो तो वो भी शायद इसके ऊपर ही यहाँ पर दिया गया है, नहीं यहाँ पर दिया गया है, डिड वी मेक अ केक फॉर यू, क्या हमने आपके लिए केक बनाया। लास्ट सेकंड लास्ट है द पुलिस फाउंड सम क्लूज, पुलिस को कुछ क्लू मिले। और इसका नेगेटिव आप बना सकते हो, द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लू, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लू, यहाँ पर लिख रखा है डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लू, क्या पुलिस को कोई क्लूज मिले। और अगला यहाँ पर सेंटेंस रहेगा, आई बिकेम अ टीचर 2 years ago, मैं 2 साल पहले टीचर बना। नेगेटिव आप डाल सकते हो, आई डिडंट बिकम अ टीचर 2 years ago, मैं 2 साल पहले टीचर नहीं बना। यहाँ पर लिख भी रखा है डिडंट बिकम अ टीचर, मैं टीचर नहीं बना। और डिड आई बिकम अ टीचर, क्या मैं टीचर बना या क्या मैं टीचर बन पाया। यहाँ पर ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आगे यहाँ पर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको करेक्ट वर्ब यूज़ करने हैं, जिसमें हमें पास्ट फॉर्म यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे। आप लिखोगे आई डैश हियर, हियर माने सुना, तो हियर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हर्ड। आई हर्ड अ टेरिबल नॉइस लास्ट नाइट, मैंने एक भयानक आवाज़ पिछली रात सुनी। रेनू इज़ वेरी सैड, रेनू बहुत उदास है। हर डॉग डिसअपियर्ड यस्टरडे, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया, कहीं भाग गया होगा उसका डॉग, उसका डॉग डिसअपियर्ड हो गया। यहाँ पर आप डिसअपियर के बाद बेसिकली आप ईडी इसको ऐड कर दोगे। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आप मेरा डिड लगाएंगे पहले, डिड यू और वर्ब की बेस फॉर्म ही रहेगी। डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात अपने दोस्त से बात की। अगला है वो सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें आपके विन की सेकंड फॉर्म वॉन यूज़ करोगे। इज फ्रेंड रमेश वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसका दोस्त रमेश ने पहला प्राइज जीता। अगला दोबारा से क्वेश्चन फॉर्म है, डिड यूज़ करेंगे और लास्ट में फिर आप कंप्लीट यूज़ कर देंगे। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क लास्ट वीक, क्या तुमने पिछले हफ्ते अपना काम पूरा किया। सिक्स्थ, यहाँ पर 3 वर्ब्स हैं,
उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। आई सेट डाउन, मैं नीचे बैठा, टुक आउट अ नोटबुक एंड पेन, एक पेन और नोटबुक को बाहर निकाला, एंड स्टार्टेड टेकिंग नोट्स, और मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिया, नोट्स उतारने शुरू कर दिए। सेवन्थ, वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई प्लेड विद मार्बल्स एवरी डे, मैं मार्बल्स के साथ, जैसे यहाँ पर ये जिसको आप कंचे बोलते हो अपनी नॉर्मल भाषा में, कि मैंने मार्बल्स के साथ मैं खेलता था। एट्थ है शीतल, नेगेटिव है, शीतल डिड नॉट अटेंड स्कूल यस्टरडे, शीतल कल स्कूल अटेंड नहीं उसने किया था। ही डैश टू हिज विलेज टू डेज अगो, ही वेंट टू हिज विलेज टू डेज अगो, वो दो दिन पहले अपने गांव गई थी। इट रेंड हैविली लास्ट नाइट, बेसिकली आप ई डी लगा देंगे रेन के बाद तो ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, पिछली रात काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई। तो ऐसे आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।